हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं करने जा रही हूँ अपने कवर्ड की सफाई। तो मैंने सोचा मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ मैं अपने कवर्ड की सफाई कैसे करती हूँ। और बहुत ज़्यादा मेरा बिखरा हुआ है अभी कवर्ड में सामान, सारे कपड़े फैले हुए हैं, बहुत बुरी हालत है। तो मैंने सोचा इसको सफाई कर रही हूँ तो आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं ना दिखा देती हूँ उसकी हालत अंदर की कैसी हुई है। ये देखिए फ्रेंड, ये देखिए कैसा कपड़ा बिखरा हुआ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कितना गंदा मैं रखती हूँ कपड़ को, मगर ऐसा नहीं है फ्रेंड। अभी कुछ दिनों से मैं ये नहीं करी की थी इसको सेट, क्योंकि ना अभी मैं शादी में गई तो सारा कपड़ा बिखरा हुआ। ये देखिए ऊपर वाला सेल्फ है, और इधर ये देखिए, इधर मैं ना इस सेल्फ में ना अपने सौरभ का ना यूनिफॉर्म वगैरह रखती हूँ, लेकिन अभी सब मिक्स हो गया है। इसमें मेरे सूट वगैरह जो होते हैं ना नॉर्मल, मतलब थोड़े हल्के जो मार्केट वगैरह पहनते जाते हैं वो मेरे होते हैं, और इधर मेरे हस्बैंड का कुछ कपड़े होते हैं क्योंकि उनका कपड़ा अलग है, लेकिन थोड़े बहुत ही इसमें भी उनके रहते हैं कपड़े। और बाकी नीचे तो यहाँ नीचे डॉल है जिसके अंदर ये देखिए यहाँ मेरा बैंगल कलेक्शन है, तो मैं किसी दिन इसका भी वीडियो लेकर आऊँगी। और एक डॉल ये है, और इधर एक लॉकर है, और इधर फिर ये नीचे है, तो नीचे में मेरा पर्स वगैरह रहता है और कुछ बेडशीट, इस सबसे नीचे वाले में मैं बेडशीट और अपना पिलो कवर सारे रखती हूँ। तो मैं आज इसको भी अरेंज करती हूँ, देखती हूँ कितना टाइम लगता है, क्योंकि अभी इतना गंदा हो गया है जब तक इसको सफाई नहीं करूँगी। मुझे ना हमेशा में टेंशन बना रहता है, जब कुछ कपड़ा निकालना हो ना तो मिलता नहीं है, उस चक्कर में ना पूरे कपड़े ना मतलब ढूंढने पड़ते हैं, इसमें से खींचो इसमें से खींचो। इसका जैसा सेक्शन पहले बना हुआ था मैं वैसे ही बनाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो फ्रेंड, मेरा पूरा कवर ना सेट हो गया है, मैं आप लोगों को एक बार पूरा दिखा देती हूँ। मैं नीचे से दिखा रही हूँ, तो देखिए नीचे वाले सेल में ना ये सारे इधर बेडशीट, जो रनिंग वाले बेडशीट हैं वो मैं इधर रखती हूँ, जो नॉर्मली लोग डेली यूज नहीं यूज़ करते तो वही बेडशीट रखती हूँ। कुछ बेडशीट इधर है और पिलो कवर भी है साथ में, यहाँ बहुत सारे। और इधर ना कुछ गर्म कपड़े हैं जो ना अभी सारे मैं ये शादी खत्म होगी तो मैं हटाऊंगी, तो वो जगह खाली हो जाएगा तो वहाँ और बेडशीट वगैरह आ जाएंगे। और उसके बाद ऊपर वाले सेल में चलते हैं, तो यहाँ फ्रेंड मैंने ना यहाँ पर मेरे कुछ
गाउन वगैरह रखे हुए हैं नॉर्मल वाले, और यहाँ भी कुछ गर्म कपड़े हैं तो इसको भी यहाँ से हटाना है। तो अभी फिलहाल मैं यही रख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सारे मैं एक साथ धुलाई करके फिर सेट करूँगी। और इसमें भी फ्रेंड ना मेरे ये सूट के कपड़े हैं जो कि मैं सिलवाने के लिए मैं रखी हूँ, तो मैं इसको फिलहाल यही रख दी हूँ। और इधर एक है ना बड़ा सा बैग है जिसके अंदर ना मेरे बहुत सारे छोटे वाले पर्स हैं, तो वो पर्स में ना छोटे होते तो रखने में कई दिन तक नहीं बनते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इसमें इकट्ठा करके रखती हूँ। मैं एक बार आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये फ्रेंड देखिए मैंने खोल दिया और इसमें देखिए मैंने इसमें आपको बहुत सारे पर्स छोटे वाले मिलेंगे, हैंड पर्स छोटे छोटे और मतलब नॉर्मल साइज के जो होते हैं छोटे और बड़े भी बोलिए। तो इसमें मैं कुछ पर्स इसमें रख देती हूँ ताकि फिर इकट्ठा रहने को मैं उनको खुलना पड़ता है और मैं टांग के नहीं रखती हूँ। उसके बाद ये तीसरे वाले साइड में आ जाते हैं, तो इसमें तो हॉलोवीन फ्रेंड इसमें मेरा बैंगल्स कनेक्शन है, इसमें कुछ है ना है। और इधर ये हो गया, फिर इसके बाद वाले सेल तो मैंने दिखाया पहले भी, तो ये है इधर मेरे हस्बैंड के डेली वाले जो होते हैं रनिंग वाले ड्यूटी वाले कपड़े कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि उनका कपड़ा यहाँ नहीं होता है फिर ये दूसरे इसमें कवर्ड में उनका रहता है, तो इसमें सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का ज़्यादा रहता है कपड़ा। और इधर भी फ्रेंड देखिए ये इधर मैंने इसके मेरे बेटे का कुछ कपड़े हैं जो कुछ यूनिफॉर्म्स है कुछ जींस वगैरह है तो वो मैंने रखा है, और इधर उसके टी शर्ट वगैरह है वो रखा है। और यहाँ फ्रेंड ने मैंने अपने सारे चुन्नी फैला के रखे हैं, और एक दो ब्लाउज भी है जो इसको भी टांगना है तो वो मैं रखूँगी। और इधर मेरे जो है कपड़े फ्रेंड मेरा आज हो गया ये काम। और इधर फ्रेंड ना इधर देखिए ये रोल मैंने ये वाले आपने देखे हुए इसमें पूरे भरे हुए मास्क, तो ये मास्क है सारे मैं इसको निकालूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रबड़ लूज हो चुका है तो फेंकने वाले हैं, तो मैं ये बाकी है थोड़ा साफ करना तो मैं इसको निकाल के फेंक दूंगी, जो फेंकने वाले होंगे जो अच्छे होंगे वो मैं रखूँगी। तो फ्रेंड मेरा हो गया गोदरेज के लिए, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इस कमेंट में बताइएगा फ्रेंड। और आज फ्रेंड मैंने हमारे ना बिल्डिंग में ऊपर ढलाई हो रहा है तो आप लोगों को बहुत आवाज़ आ रही होगी, तो इसको नोट कीजिएगा फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान होंगे क्योंकि आज भर है आज ढलाई हो जाएगा, तो उसके बाद कल से आप लोगों को ही आवाज़ सुनने नहीं मिलेगी, तो कल से मेरा आवाज़ भी क्लियर जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें। बाय, हैव अ नाइस डे।